Good morning guys, a very good morning to all of you and welcome back to SSC 2 which is powered by Olive Board. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. So good morning, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, श्याम श्याम, आप सभी को. महेश प्रजापति जी गुड मॉर्निंग, यूपी के सरपंच, ओके आ गए हैं सरपंच साहब, ओके ए आर स्टडी पॉइंट, ठीक है, गुड मॉर्निंग. चलिए गाइस एक बार से सेशन के लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे बच्चे हमारे साथ में कनेक्ट हो सके, ठीक है. देवाजीत वेरी गुड मॉर्निंग. चलो और करते हैं जरा शुरुआत आज के सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं, ठीक है. रेडी सब लोग, एक बार से थम्स अप कर दीजिएगा और हाँ ये बता देना कि कल का पेपर आपको कैसा गया. हाँ जी, कल का पेपर आप लोगों को कैसा गया ये भी बता दीजिए जरा. गुड मॉर्निंग सुंदर लाल, वेरी गुड मॉर्निंग. अच्छा गया पेपर, चलो ठीक है. और पेपर तो अच्छा ही गया होगा यार, कल देखा मैंने पेपर बहुत इजी आया हुआ था. मतलब सच बताऊं तो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम पेपर ऐसा था कि आगे बट भी सॉल्व कर देती, वो भी टॉप करती, मतलब कमाल है यार. सारे के सारे क्वेश्चंस क्लास नोट्स में से ही आए हुए थे, बाहर से एक एक दो क्वेश्चन मुश्किल से होगा, वो भी एक इगास फेस्टिवल के लिए पूछ लिया जैसे कि जो 3 दिन पहले ही सेलिब्रेट हुआ था. मैंने आपको 3 दिन पहले करंट अफेयर ही नहीं कराया था ना. हाँ तो कुछ एक आध क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी सारे आपको मैंने करंट अफेयर्स कराया हुआ है. 99% जो है ना वो हमारे क्लास नोट्स में से आया हुआ था कि जिस बच्चे ने कभी करंट अफेयर नहीं पढ़ा सिर्फ क्लास लिए ना उसका भी हो गया होगा सिलेक्शन. सिर्फ करंट अफेयर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जीएस के क्वेश्चन भी सारे के सारे क्वेश्चन, मतलब ये लग रहा था मुझे कि पेपर हमारी क्लास से ही बनाओ, जैसे जैसे एग्जामिनर ने मेरा ही पीडीएफ लेकर के वहीं से बनाया हो पेपर. चलो तो सुबह सुबह मैम सेंड कर सकती हो पेपर? भाई पेपर थोड़ी ना मेरे पास में है जो सेंड कर दूं मैं तुमको. हाँ ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों ने मुझे सेंड किए थे. मैंने यार क्या हो रहा है आज पता नहीं. ओके कोई बात नहीं, चलो. ऐसा लग रहा भूकंप आ रहा हो जैसे. हाँ अभी 2-3 बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे भूकंप आ रहा हो. भाई कहीं आ ना जाए इधर, ठीक है, पता चले मैं तुम्हारे सामने एकदम लाइव धरती में समा जाऊं. 8 बजे वाली क्लास नहीं होती है? कौन सी 8 बजे वाली क्लास? सीमा पाल जी बेटा होती है, सारी क्लासेस हो रही हैं आपकी. शाम वाली क्लासेस को बंद कर दिया गया फिलहाल के लिए, ठीक है. चलो सवालों का सिलसिला शुरू करते हो. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहां पर किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है. वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर लॉन्च्ड? भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का मतलब कृषि निर्यात ये क्या है? एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर है जहां से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है. क्या? एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है. इसी के लिए एक और संस्था काम करती है जिसे हम अपेडा कहते हैं. अपेडा ये भी एक्सपोर्ट करने का काम करती है, ठीक है, जो दूसरे देशों में भेजा जाना होता है. कमल किशोर वेरी गुड मॉर्निंग. तो इसका करेक्ट आंसर जो बच्चे कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका बिल्कुल सही है. पुणे महाराष्ट्र के अंदर है, पुणे, ठीक है. यहीं पर क्या है महाराष्ट्र, यार चश्मा पहनना भूल गया, महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ठीक है. तो ये जो है ना इसने क्या किया है, इसने महाराष्ट्र के साथ में मतलब यहाँ पर ये सेंटर एक काम करता है जो कि केंद्र की सुविधा देता है एग्रीकल्चर केंद्र की. यार क्या हो गया, नेट नहीं चल रहा है क्या? ट्राई क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? सब ठीक है ना गाइस? एक बार से बताओ यार सब ठीक है ना. मेरा फोन पकड़ा गया, मुझे नया लेना पड़ेगा. चलो भाई सब मिलकर चंदा इकट्ठा करो, फोन नया लेते हैं फिर. हाँ ओके सो क्लियर है सभी को? तो ये सेंटर है जो यहाँ पे काम करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पुणे. पुणे की बात करेंगे तो यहीं पर आपको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मिलता है, आप सभी जानते हैं, है ना. पुणे में क्रिकेट का सबसे बड़ा जो है आपको म्यूजियम भी देखने को मिलता है. मतलब आप सिर्फ क्लास क्लास भी ध्यान से देखोगे ना तो सारे पेपर में क्वेश्चन जो आए ना वो क्लास नोट से आए भाई, इतना तो मुझे यकीन हो गया है कि आप क्लास ध्यान से ले लो, बाकी कुछ नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा आपका काम, ठीक है. ओके नेक्स्ट देखो, माले के प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है?
हाँ जी, आपसे पूछा जा रहा है माले की प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग सुनील जी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो देखो, माले जो कंट्री है वहां पर नए प्रधानमंत्री हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है इसका करेक्ट आंसर क्या है। ओके, ऑप्शन नंबर सी है, गलत है। मोक्टार उआने को अपॉइंट किया गया, गाइस किसको? मोक्टार उआने को अपॉइंट किया गया है, इनका नाम आपको याद रखना। माले के नए प्रधानमंत्री ये बन चुके हैं, ठीक है। अभी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो भी नए प्रधानमंत्री वगैरह बने हैं वो मैंने कई बार आपको कराए हैं, तो वो प्लीज आप लोग पढ़कर जाएंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर वो पूछा जाएगा, ठीक है, वो जो एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय मूल की निम्न में से किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? भारतीय मूल की निम्न में से किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार अपॉइंट किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए बताएंगे जल्दी से। हाँ जी, देवाशीष सुंदरलाल आसिफ, यूपी के सरपंच। बेटा आंसर करो, ठीक है, यूपी के सरपंच, आंसर करो जल्दी से। देखो भाई, व्हाइट हाउस की बात करते हैं, पिछले साल आपका एनटीपीसी में पूछा गया था कि ये है कहां पर ये लोकेटेड है, तो इसकी जो लोकेशन है ये आपको मिलती है कहां? वॉशिंगटन डीसी में। इसकी लोकेशन आपको कहां मिलती है? वॉशिंगटन डीसी में मिलती है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है व्हाइट हाउस में, ये किसका हुआ है? नीरा टंडन का हुआ है। किसका? नीरा टंडन का। ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। और इनका अपॉइंटमेंट कहाँ हुआ था? ये एक्चुअली नीरा टंडन व्हाइट हाउस में सलाहकार थी, ठीक है, अब नहीं रही है यहाँ पर सलाहकार। ये पुराना क्वेश्चन है। अब जो है ना, इनका अपॉइंटमेंट कहाँ कर दिया गया है, तो अब जो है ये जो बाइडेन प्रशासन में, मतलब इसकी एडमिनिस्ट्रेशन में, अब इनको स्टाफ सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया गया है। क्या अपॉइंट कर दिया गया है? स्टाफ सेक्रेटरी बना दिया अब इनको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब है ना, इनका अपॉइंटमेंट अब स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में कर दिया गया है, तो अब ये पूछा जाएगा आपसे। ओके, क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट आ जाओ। देखो, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 फाइनल में मैरी कॉम ने कौन सा पदक हासिल किया है, ये आपको बताना है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में मैरी कॉम ने कौन सा मेडल जीता था? तो कौन सा मेडल जीता था? यस देवाजी, गुड। चलो बताएंगे गाइस जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो एमसी मैरी कॉम ने यहाँ पर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें कौन सा मेडल जीता था, जो कि कहाँ हुई थी? दुबई के अंदर हुई थी, ठीक है। ओके, गोल्ड जीता था। हे भगवान, देखो सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने। कौन सा? सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने, ठीक है। 5 बार की एशियाई चैंपियनशिप विजेता ये रह चुकी है, 5 बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीत चुकी है ये। और ये अभी जो हुआ था एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप दुबई के अंदर, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, इसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। अब देखो, उनके बारे में कुछ चीजें आपसे पूछी जा सकती है। एमसी मैरी कॉम मणिपुर से ये बिलोंग करती हैं, ठीक है। इससे पहले इन्होंने 2008 में जो है रजत पदक जीता था, 2008 में इन्होंने जो है कौन सा सिल्वर मेडल जीता था, 2003 में जीत चुकी है इससे पहले ये, 5, 10, 12 और 2017 में जीत चुकी है। 5 बार ये विश्व चैंपियनशिप खिताब जीत चुकी है। यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड। ओके, क्लियर है सभी को क्वेश्चन यहाँ तक? चलो, इसमें गोल्ड किसने जीता है जिसमें इन्होंने सिल्वर जीता? पूजा रानी का नाम ध्यान रखिए, 75 kg की कैटेगरी में। कौन है? पूजा रानी है। तो पेन तो आज पता नहीं कहाँ घूम रहा है। 75 kg की कैटेगरी में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, ठीक है, क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट आ जाओ। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ पुस्तक के लेखक आपको बताना है कि कौन है भाई। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ? तो बताएंगे जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग रोशन कांजी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो साजन जी आ गए क्लास में, ठीक है।
क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा गाइस, ठीक है? बिना किसी कंजूसी के आप लोग करते नहीं हो आजकल, भाई गलत बात है ये तो। देखो, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ जो बुक आती है, आपसे पूछा जा रहा है कि इस बुक के जो लेखक है वो कौन हो जाएंगे। तो जो बच्चे यहाँ पर आंसर कर रहे हैं, क्या? हाँ जी, रवि शास्त्री इधरबाजी, करेक्ट है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी होगा, जो नलायक आंसर करे ना ए, बेटा वो सुधर जाए, ठीक है? देखो, रवि शास्त्री जो कि भारत के कोच रह चुके हैं, ठीक है, मतलब क्रिकेट टीम के ये कोच रह चुके हैं और अभी भी कैप्टन यही थे, इन्हीं की जगह पे अब राहुल द्रविड़ को बनाया जा रहा है, ठीक है? इन्हीं की जगह पे तो अब राहुल द्रविड़ को बनाया जा रहा है, ठीक है? अभी T20 के जो मैचेस हुए थे ना, उसमें भी रवि शास्त्री थे, उसके बाद भी राहुल द्रविड़ को बनाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये जो बायोग्राफी है, ये जो बुक है वो इन्हीं की है, रवि शास्त्री की है, बायोग्राफी है इनकी, ठीक है? हाँ जी, क्लियर है यहां तक सभी को क्वेश्चन? चलो आगे पढ़ लिया जाए। देखो, आईपीएल 2021 के दूसरे चरण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अरे ये क्वेश्चन आपका एक्चुअली हो चुका है पुराना, अभी इसको छोड़ो, हो गया ना इसका दूसरा चरण, इसका यूएई में हो तो गया, फर्स्ट तो आपका इंडिया के अंदर हुआ था, है ना? बीसीसीआई जो है वो कंडक्ट करवाता है आईपीएल को, आईपीएल से रिलेटेड डिसीजन बीसीसीआई ही लेता है। ये पता नहीं आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा जैसे मेरे घर में भूकंप आया हो, आसपास में बहुत शोर हो रहा है शांति की बजाय। चलो हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई करने का जो रिकॉर्ड है ये किसके नाम पे? माउंट एवरेस्ट सबसे तेज किसने चढ़ाई की है? अच्छा, ये बचा था भाई करना, बाकी ये हम देख चुके हैं। 25 बार किसने चढ़ाई की है? तो आप देख चुके हैं, कामी रीता शेरपा ने की थी, है ना? 10 बार बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के किसने की थी? ये आंग रीता शेरपा ने की थी, ये भी दोनों नेपाल से बिलोंग करती है ये, ठीक है? और इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी इनका नाम दर्ज हुआ था। अभी डेथ हो गई इनकी थोड़े दिन पहले, 2020 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है? और माउंट एवरेस्ट पर इंडियन सबसे पहले किसने चढ़ाई की थी? तो बछेंद्री पाल ने की थी। सबसे पहले लगातार दो बार इंडियन कौन थी? संतोष यादव थी, ओके? और यहाँ सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड सांग यिंग होंग, क्या है? सांग यिंग होंग, ठीक है? क्लियर है यहां तक सभी को क्वेश्चन? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, सी आंसर जो बच्चे कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है? तो ये जो है दुनिया की सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला बन गई है। कहां से ये बिलोंग करती है? हांगकांग से। कहां से बिलोंग करती है? हांगकांग से बिलोंग करती है, वो तो नाम से ही पता चल गया था, ठीक है? चलो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया भाई यहां तक सभी को क्वेश्चन? ओके, तो भाई जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई इन्होंने सबसे तेज कितने घंटे में पूरी कर ली? तो सुनो जरा, 8,848.86 मीटर इसकी हाइट होती है, जो कि इन्होंने कितने घंटे में पूरी कर ली थी। तो बताया जा रहा है कि इन्होंने 25 घंटे 50 मिनट का रिकॉर्ड बनाया था, 25 घंटे 50 मिनट का रिकॉर्ड बनाया था, मतलब यार गजब ही कर दिया ये तो, है ना? चलो खैर, नेक्स्ट। 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? CII के जो नए अध्यक्ष बने हैं, आपको बताना है कि ये कौन बने हैं, तो बताएंगे जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ जी, पेपर एनालिसिस कर लिया आप लोगों ने SSC GD का? बताओ जल्दी, पेपर एनालिसिस कर लिया आप लोगों ने? देखो, वैसे ना SSC की तरफ से बैन किया हुआ, इसीलिए हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे नहीं कराया, क्योंकि SSC ने इसको बैन किया हुआ है। बाकी चैनल्स वाले तो बस कर दिया उन्होंने, लेकिन अभी हो सकता है किसी को भी पकड़ा जा सकता है SSC की तरफ से, ठीक है? किसी के ऊपर भी अभी हमला हो सकता है, तो ये जो है ना एक देखते हैं क्या है, डाउटफुल है अभी, तो इसीलिए रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो हम लोगों ने भी एनालिसिस नहीं कराया, बट आप लोग कर ही चुके होंगे एनालिसिस ना। गुड गुड गुड, चलो, टीवी सबका आंसर आ रहा है भाई, यहाँ पर करेक्ट है। आपसे पूछा गया था CII के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर किन का अपॉइंटमेंट हुआ, तो जो बच्चे आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, उनका बिल्कुल सही है, टीवी नरेंद्रन जी का। किसका? टीवी नरेंद्रन जी का अपॉइंटमेंट यहाँ पर किया गया है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना। CII, ये CII क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, ठीक है?
इसकी अध्यक्ष कौन बन गई है? टीवी नरेंद्रन यहाँ पर बन गए हैं। चलो ये है कौन? टीवी नरेंद्रन, मुस्कुराते हुए। अच्छा, ये पहले कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर भी काम कर चुकी है, वहां पर ये एमडी सीईओ रह चुके हैं इससे पहले, और कलकत्ता के पूर्व छात्र, कई वर्षों से ये सीआईआई के साथ में जुड़े हुए थे। खैर ये सब चीजें हमारे काम की नहीं है, बस ये अपॉइंट हो गए वो अच्छी बात है। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ जी, तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO ने किसको सम्मानित किया है? हु वॉज ऑनर्ड बाई WHO फॉर इट्स एफर्ट्स इन तंबाकू कंट्रोल? इसको कंट्रोल करने के लिए WHO ने किसको सम्मानित किया है, किसको अवार्ड दिया था? तो बताएंगे जल्दी से। देखो WHO साल में 5 लोगों को देता है ये अवार्ड। कितने लोगों को? 5 लोगों को देता है, तो एक जो है इंडियन को मिला है इस बार। ये कौन है? ऑप्शन नंबर बताए जल्दी से। बिहारी एक पहचान आ गई है क्लास में, साजन जी का आंसर डी आया है। साजन जी आए हैं विद आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी का आंसर डी है, करेक्ट। डॉक्टर हर्षवर्धन ये पहले हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे गाइस, हेल्थ मिनिस्टर थे, और अब ये मिनिस्ट्री जिसके पास में आ गई है तो मनसुख मंडाविया जी के पास में आ गई है। किसके पास में? मनसुख मंडाविया जी के पास में आ गई है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट, सॉरी क्या कहते हैं, अवार्ड जो है वो किसको दिया था? डॉक्टर हर्षवर्धन को दिया गया था। अब हेल्थ मिनिस्टर ये थे, हेल्थ से रिलेटेड काम भी इन्होंने किया था, तो आंसर भी फिर यही जाएगा ना, समझ में आया सभी को? तो करेक्ट आंसर आपका डॉक्टर हर्षवर्धन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको क्वेश्चन? किसी को कोई दिक्कत? तो WHO हर साल 5 लोगों को ये अवार्ड देता है, तो इस बार इंडियन को किसको मिला है? तो ये इनको मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ जी, निम्न में से किसने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता? एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताएंगे भाई जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ जी, यार आज ना मुझे ना बहुत ज्यादा छाले से हो गए हैं, पता नहीं क्या, मतलब डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही लग रहा है, और इसी वजह से मुंह में छाले हो गए, प्रॉब्लम हो रही है बोलने में मुझे। तो आपको लग ही रहा होगा थोड़ा डिफरेंट तरीके से मेरी वॉइस आ रही होगी, लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना गाइस? सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो प्लीज यार, बिना किसी कंजूसी के फटाक से करके शेयर कर दो सेशन को। ठीक है, और लाइक करते हुए चलो प्लीज। नया करंट अफेयर इसलिए नहीं करा रही क्योंकि कोई फायदा नहीं, आपके एग्जाम चल रहा है, एसएससी जीडी के पेपर चल रहे, तब तक नहीं होगा। ठीक है, अभी आपका हम पुराना रिविजन ही करेंगे तब तक, मतलब ये भी नहीं कि पेपर जब तक खत्म होंगे तब तक, लेकिन अभी 2-4 दिन और चलने दो। हाँ जी, नेक्स्ट, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संजीत कुमार ने जीता है। किसने? संजीत कुमार ने जीता है। हाँ, चेंज लग रही ना वो, इसीलिए लग रही यार। चलो पता नहीं, ये डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम की वजह से मुंह में छाले हो जाते हैं, आप लोगों को भी फिर कभी ऐसा देखा होगा आपने। तो अभी 2-3 दिनों से मैं ज्यादा पानी पी नहीं पा रही थी। हाँ, तो अभी क्योंकि सर्दी आ गई, इतना प्यास नहीं लगता, पानी पीना मुझे तो सच बताऊं याद ही नहीं रहता जब तक प्यास ना लगे। चलो, तो संजीत कुमार का नाम आप याद रखेंगे, 91 kg की कैटेगरी में, ठीक है, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, सिल्वर मेडल की बात करते हैं 2021 के अंदर, तो ये आपका जीता था किसने? एमसी मैरीकॉम ने जीता था, जो कि हमने पीछे पढ़ा था। क्लियर है सबको? हाँ जी, ठीक है, आगे सुनो। देखो, इन्होंने दुबई में ये एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में 5 बार की एशिया चैंपियनशिप विजेता और कजाकिस्तान के रियो ओलंपिक रजत विजेता वासिली लैबिट को 3-2 के विभाजन के फैसले में हरा करके गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, वासिली लैबिट को हरा दिया, और इसी चैंपियनशिप में एमसी मैरीकॉम ने कौन सा यहां पर सिल्वर मेडल जीता था? मैग्मा फिनकॉर्प का अध्यक्ष जो है ये किन्हें अपॉइंट किया गया है? हाँ जी, मैग्मा फिनकॉर्प किन्हें अपॉइंट किया गया है? मैम स्क्रीन में दिख नहीं रहे। ओके नेहा, गुड मॉर्निंग, इतना लेट से कैसे आई आवाज नेहा? क्या नहीं दिख रहा स्क्रीन पे? सब तो दिख रहा है यार, क्या बात करती हूँ। देखो, मैग्मा फिनकॉर्प के अध्यक्ष जो है ये किन्हें बनाया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैग्मा फिनकॉर्प? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे?
बताएंगे जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ओके ओके ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सभी का आंसर बिल्कुल सही है भाई, सतोशी उचीडा है ये। ठीक है, एक और नाम ही इन्हीं से मिलता जुलता है, सातोशी नागा माता। ठीक है, जो कि बिटकॉइन के फाउंडर हैं, जिनकी ब्रॉन्ज की जो मूर्ति है वो कहां पर बनाई गई है, तो बुडापेस्ट के अंदर बनाई गई है, जो हंगरी की कैपिटल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। मैग्मा फिनकॉर्प के जो अध्यक्ष है वो किसको, सतोशी उचीडा को बना है, अडार पूना वाला, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे जो है ना उसके अध्यक्ष हो जाएंगे भाई। ठीक है, सॉरी कोल्ड भी हो गया लग रहा है, बस इसी की कमी रह गई थी। हाँ जी ओके, सो मैग्मा फिनकॉर्प पूनावाला द्वारा नियंत्रित राइजिंग सन होल्डिंग में नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल करने के बाद से यहाँ पर इनको जो है अपना अध्यक्ष अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट आ जाओ। देखो भाई नेक्स्ट एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, सावरकर ए कंटेस्टेड लेगेसी पुस्तक के लेखक आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है। ये जो सावरकर ए कॉन्टेस्टेड वीर सावर को लेकर किस बुक को लिखा गया था, किसको वीर सावर को लेकर किस बुक को लिखा गया था, पूछा जा रहा है कि किसने लिखा है इस बुक को, तो करेक्ट आंसर बताएंगे जल्दी से क्या हो जाएगा। ओके थैंक यू आसिफ जी, थैंक यू सो मच। हाँ मुझे कोल्ड हो गया, मुझे लग रहा है तबीयत खराब होने वाली, मैं जल्दी ही शायद छुट्टी का नोटिस आ जाएगा। सो देखो भाई जो बच्चे आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी उनका गलत है, एंड योर करेक्ट आंसर इज विक्रम संपत। क्या है, विक्रम संपत है, वीर सावर के ऊपर इस बुक को इन्होंने लिखा था अस कॉन्टेस्टेड ऑफ लिगेसी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है चलो, हाँ जी ये इन्होंने इस बुक को लिखा था, फोटो कितने शानदार लिए ये सोचो जरा, है ना। किस सरकार ने अंकुर योजना को शुरू किया। मैम ये कैसा क्वेश्चन पूछ लियो, इतना इजी क्वेश्चन। देखो भाई अंकुर योजना जो है हम सभी जानते हैं, इसको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। किसने इसको स्टार्ट किया था, मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना को स्टार्ट किया था, मध्य प्रदेश ने, पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाना है ये यहां पर बोला गया था। ठीक है, अभी लेटेस्ट कौन सी योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है, राशन आपके द्वार योजना। कौन सी, राशन आपके द्वार योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई थी, और इसी के साथ में एक और याद रखेंगे युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान यहाँ पर चलाया गया था। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति जो अभियान है वो भी यहाँ पर चलाया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। मध्य प्रदेश के अंदर और भी काफी सारी योजनाएं यहाँ पर चल रही है जो मैं आए दिन आपको बताती रहती हूँ जब भी मध्य प्रदेश की बात आती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है सबको क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ जी, किया एनबीए सिक्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है, हु वॉन द किया एनबीए सिक्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये किसने जीता है ये आपको बताना है। चलिए बताएंगे करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। हाँ एमपी के सांची में बहुत थीम पार्क बनाया गया, बिल्कुल सही है, बिहारिक पहचान बिल्कुल सही है। और इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एसएससी जीडी के पेपर में, आप लोगों ने पेपर एनालिसिस कर लिया है ना, देखो बहुत इजी पेपर आ रहे हैं, लेकिन एक बार सुन लो आगे की शिफ्ट में इतना इजी पेपर नहीं आने वाला है। थर्ड शिफ्ट में देखो कोई एक आध क्वेश्चन थोड़े अच्छे थे, जीएस के एक आध क्वेश्चन अच्छे थे, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के तो सारे बच्चों वाले क्वेश्चन थे, एकदम बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन थे, ऐसा लग रहा था कि हमने पेपर सेट किया हो। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ। किया एनबीए सिक्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये किसको मिला है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके सी करेक्ट है, हाँ सी, नहीं 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 जॉर्डन क्लार्कसन को मिला था, किसको, जॉर्डन क्लार्कसन को मिला था, तो ये एनबीए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन था। क्या है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन सिक्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो जॉर्डन क्लार्कसन को दिया गया था, जॉर्डन क्लार्कसन को दिया गया था, इनका नाम आपको याद रखना है, क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट देखो, हु हैज बिकम द डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, नौसेना स्टाफ के जो उप प्रमुख है, जो नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख है ये किन्हें बनाया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
हाँ जी, तो बताएंगे जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। देखो, डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ आप लोगों से पूछा जा रहा है। बिल्कुल, जो बच्चे आंसर कर रहे हैं यहाँ पर, क्या ऑप्शन नंबर डी रवनीत सिंह, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर रवनीत सिंह है जिनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया था गाइस, ठीक है। वाइस एडमिरल रवनीत सिंह जी को अपॉइंट किया गया था। बहन पता नहीं कहाँ मर जाता है रवनीत सिंह, ये आपको ध्यान रखना। अब सुनो जरा, यहाँ पर देखो, आर्मी स्टाफ हो गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गया, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ हो गया, ठीक है, और एयरफोर्स के अंदर हो गया चीफ। तो इन तीनों के अपॉइंटमेंट आपको पढ़कर जाने। आर्मी जो स्टाफ है ये तो है ही आपके, कौन, मनोज मुकुंद नरवाने हैं, ठीक है। कौन है भाई यहाँ पर आपके, मनोज मुकुंद नरवाने हैं। लेकिन आपके चेंज हो गए हैं कहाँ पर, नेवी के अंदर। नेवी में अभी नए बनाए गए हैं गाइस, ठीक है। तो अभी नए जो बनाए गए हैं उनका नाम आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। और एयरफोर्स की जो चीफ है वो वी आर चौधरी जी को अपॉइंट कर दिया गया है। यहां पर भी नए बन गए हैं, आर के एस भदौरिया जी की जगह पे, ठीक है। बिल्कुल सही है, हां जी। और सुनो जरा, डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, यस 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 गाइस, एक सेकंड रुक जाओ यार, यहाँ पे तो नया अपॉइंटमेंट हो गया था ना आपका, एक सेकंड। जो आपके एस एन गोरमड़े थे, है ना, एस एन जो गोरमड़े थे, इनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया था वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ये बने थे एस एन गोरमड़े, ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट आपका चेंज हो गया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, एस एन बोरमड़े हो चुका है, ठीक है। हाँ, चंडी प्रसाद मोहंती, ये आर्मी के अंदर है वाइस चीफ, बिल्कुल सही है। आर्मी के अंदर जो वाइस चीफ है ये बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर, कौन हो जाएगा, चंडी प्रसाद मोहंती है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा था यहाँ पर कि नेवी के अंदर जो चीफ अभी हाल ही में बनाए गए हैं उनका नाम क्या है, इसका आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला है। तो यार कल ही मैंने ये अपॉइंटमेंट करवाया था आपको, कल भी और परसों भी करवाया था, तो प्लीज बताओ जल्दी से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। वाइस चीफ, सॉरी, चीफ ऑफ नेवी जो है ये किन्हें अपॉइंट किया गया है, इसका करेक्ट आंसर क्या है। यार ऐसे कैसे भूल सकते हो यार तुम लोग, मतलब हद हो गई है। यस, आ गया आंसर, बिल्कुल सही है, देवाजी आर हरि कुमार, कौन है, आर हरि कुमार को बनाया गया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट, 2 दिवसीय P4G शिखर सम्मेलन 2021 किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री वॉज द 2 day P4G समिट 2021 हेल्ड, ये आपको बताना है। सेशन को प्लीज लाइक एंड शेयर करते हुए चलेंगे सभी बच्चे बिना किसी कंजूसी के, मतलब सारी कंजूसी इधर ही करनी होती है तुम लोगों को भी ना, ऐसा क्यों करते हो। ओके, सुनो, देखो, P4G शिखर सम्मेलन था आपका, क्या था, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। P4G शिखर सम्मेलन 2021 किस देश की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, साउथ कोरिया, क्या हो जाएगा, साउथ कोरिया हो जाएगा भाई आपका करेक्ट आंसर। साउथ कोरिया जो है कंट्री जो है आपकी, उसी की अध्यक्षता में P4G सम्मेलन हुआ था। अब ये जो P4G है इसमें इसका मतलब क्या है, ये जरा हम देख लेते हैं। देखो, P4G का मतलब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाँ जी, देखो, P4G यहाँ पर आपका पार्टनरशिप से रिलेटेड था, मतलब एक पी से था, जैसे कि पार्टनरशिप हो गया आपका, है ना यार, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है क्या, एक्सप्लेनेशन से गायब कैसे हो गया, सारा है तो एक्सप्लेनेशन में लिखा था मैंने, हे भगवान। खैर कोई बात नहीं गाइस, P4G से मतलब यही था, जैसे कि आपका पार्टनरशिप हो गया एक में, ठीक है, और एक और पी, जैसे ऐसे करके 4 P थे। तो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा इसका क्या क्या यहाँ पर, इसके क्या क्या मीनिंग निकल कर आए थे, बट मतलब कुछ इसी प्रकार से था। हाँ ठीक है, किसी को कुछ याद आ रहा हो तो यहाँ पर आप मुझे बता दीजिएगा। मैम क्वेश्चन अपडेट नहीं है, बिहारी पहचान क्वेश्चन अपडेट कैसे होंगे, अच्छा, हाँ क्वेश्चन अपडेट कैसे होंगे, ये आपके पुराने क्वेश्चन है जो हमने 1 ईयर का करंट अफेयर्स पढ़ा था ना, वो वाले क्वेश्चन है। कुछ कुछ चीजें चेंज हो गई तो मैंने सोचा साथ में करा दूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे के सारे क्रॉस चेक करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो इसीलिए मैंने सोचा क्लास के दौरान ही मैं आपको ये करेक्ट करा दूंगी। तो बस वही चीजें अब हो रही हैं आपकी, ठीक है।
क्लास के दौरान ही इनको मैं करा दूंगी। बस अभी तक तो सिर्फ ये दो ही क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जिनको हमें अपडेट करना पड़ा था, सिर्फ दो क्वेश्चंस को हमें अपडेट करना पड़ा इतने सारे क्वेश्चंस में से। तो एक आध क्वेश्चंस तो आएंगे ना आपके जो अपडेट करने पड़ेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ में कर लेंगे। ठीक है चलो नेक्स्ट देखो, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीतकर इतिहास किसने रचा। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता गया है, आपसे पूछा जा रहा है इसको जीतकर इतिहास रचा था किसने। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता था ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा बताएंगे जल्दी से। ओके व्हाट ऑफ द अबाउट, चलो करेक्ट है। नितिश राकेश और जेरी विंड इन दोनों ने जीता था इंटरनेशनली बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड है, ठीक है इन दोनों ने जीता था। ठीक है अच्छा किस लिए जीता था, बुक के लिए जीता था, इनके जो बुक पब्लिश हुई थी उसके लिए जीता था। ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस नाम से बुक आती है इनकी, इस नाम से बुक आती है, इसके लिए इन दोनों को बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 मिला था। ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट, इसराइल के अंदर जो नए राष्ट्रपति बने थे उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है कि क्या था। इसराइल के अंदर जो नए राष्ट्रपति बने थे इनका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बताएंगे जल्दी से क्या है। ओके मंजू कुमारी गुड मॉर्निंग, आज क्लास में इतना लेट कैसे आयो मंजू। बेटा क्लास का टाइम आप लोगों को पता तो है, तो प्लीज जल्दी आए करो ना क्लास में, टाइम से आए करो, बहुत लेट आने लग गए हो आप लोग तो क्लास में ना, तो थोड़ा टाइम से आए करो। ठीक है चलो ऑप्शन नंबर डी, इसराइल के जो नए राष्ट्रपति हैं करेक्ट है, आइसेक हर्जोग को बनाया गया था, ठीक है, और नेफ्टाली बेनेट जो है यहां पर प्राइम मिनिस्टर बने थे। कौन बने थे, नेफ्टाली बेनेट, ठीक है। और ये जो है ना पूछा जा रहा है, अभी तक जो तीन शिफ्ट्स हुई है उनमें पता है क्या पूछे गए, सीएम और गवर्नर पूछे गए। आगे के शिफ्ट में आपसे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पूछे जाएंगे अदर कंट्रीज के। तो भाई ध्यान से जो मैं बोलती हूँ पता नहीं क्यों वही सच हो जाता है, जितने क्वेश्चंस मैंने बोले थे ना ये पूछा जाएगा वही एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी मैंने कल सुबह एक क्वेश्चन करा था, वही कल पहली शिफ्ट में पूछ लिया गया, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा वो क्वेश्चन कौन सा था, मतलब मैं देख करके मैं खुश हो गई थी, मैंने कहा वाह मजा आ गया। हाँ कुजंगल जो मूवी है ना, तमिल फिल्म जिसको ऑस्कर 94th जो एडिशन होने वाला है इसके लिए नॉमिनेशन के लिए कुजंगल जो फिल्म भेजी गई है जो कि तमिल फिल्म है, मैंने ये करवाया था आपको है ना, कल ही करवाया था मैंने ये आपको, और देखो कल ही के पेपर में ये पूछ लिया गया, हालांकि ये पहले भी करा चुकी हूँ मैं आपको, ये रिवीजन के लिए मैंने कल कराया था आपको। तो सारी चीजें क्लास में से पूछी गई है भाई, मुझे देख करके बड़ी खुशी हुई थी यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार रिसेंटली अनाउंस्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस। चलो भाई बिहार के अंदर क्या बोला गया कि इंजीनियरिंग के सेक्टर में और मेडिकल कॉलेजेस के अंदर लड़कियों के लिए आरक्षण किया जाएगा, मतलब उनको उनको क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा, कितने परसेंट का रिजर्वेशन उनको यहाँ पर दिया जाएगा ये आपसे पूछा जाता है। 33 तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ नलायको, ऑप्शन तो देख के आंसर करो कम से कम। अच्छा सॉरी 30% दिया तो है, 30% दिया, ओके सॉरी, लेकिन आपका करेक्ट आंसर 33 हो जाएगा। ठीक है 30 नहीं है 33 है, अच्छा 33 ही आंसर कर रहे थे आप लोग, सॉरी 33% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है भाई नीतीश कुमार जी जो कि क्या हो जाएंगे बिहार के सीएम है। तो इन्होंने क्या कहा है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में जितनी भी लड़कियां हैं यहाँ पर जो यहाँ पर स्टडी कर रही हैं तो उनको क्या दिया जाएगा, उनको उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, उनको क्या रिजर्वेशन दिया जाएगा, और ये कितना होगा, 33% का रिजर्वेशन इनको यहाँ पर दिया जाएगा, कितना 33% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। ओके ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के सीएम ने अनाउंसमेंट किया था नीतीश बाबू ने। व्हाट्सएप ने किसे भारत के लिए शिकायत अधिकारी अपॉइंट किया है, ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट किया है। देखो भाई आईटी मिनिस्ट्री ने ये बोल दिया था कि अब हर एक सेक्टर के अंदर
जितने भी सोशल मीडियाज हैं, ठीक है, जितने भी सोशल मीडियाज प्लेटफॉर्म है जिन जो बहुत ज्यादा जिनके फॉलोअर्स है, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया और आपका फेसबुक हो गया, बस यही, ठीक है, नॉट इंस्टाग्राम एंड ऑल। तो यहाँ पर क्या होगा, सभी को अपना अपना ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करना होगा। हालांकि इंस्टाग्राम तो वही है फेसबुक का ही, बट व्हाट्सएप भी तो है, लेकिन व्हाट्सएप की ग्रीवेंस ऑफिसर अलग है एंड फेसबुक के अलग है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो ट्विटर की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो ट्विटर के जो ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट किए गए थे वो किन्हें अपॉइंट किया था, विनय प्रकाश जी को अपॉइंट किया था, ओके, क्योंकि आईटी मिनिस्टर जो थे हमारे, आईटी मिनिस्टर जो थे उनका क्या कर दिया था, अकाउंट ब्लॉक कर दिया था 1 घंटे के लिए, ठीक है, ट्विटर ने। तब बोला गया था कि भैया ये क्या चल रहा है, तो तभी जो है ये बोला गया कि ग्रीवेंस ऑफिसर होने चाहिए सभी के अंदर, कि शिकायत किसको करें हम जाके, ओके। फेसबुक में पूछा जाए तो स्फूर्ति प्रिया का नाम ध्यान रखेंगे, किसको, स्फूर्ति प्रिया को बनाया गया था। और व्हाट्सएप में पूछा जा रहा है परेश बीलाल हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्या, परेश बीलाल, जी बिल्कुल सही है। फेसबुक अब फेसबुक नहीं रहा, क्या नाम हो गया इसका, मेटा हो गया, मेटा या फिर आप कहोगे मेटावर्स इसका नाम कर दिया गया है। ये इसका लोगो वोगो भी मुझे लगा था चेंज करेंगे, वही दिखा रहा है अभी, तो ज्यादा कुछ मजा नहीं आ रहा फेसबुक में, वही तो है सब, क्या पता नहीं क्या चेंज किया इन्होंने। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की बोर्ड के लिए किसे चुना गया, हु वॉज इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के लिए किन्हें यहाँ पर चुना गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। डेयरी की बात करते हैं यानी कि मिल्क की बात करते हैं, तो हमारा जो मिल्क रिसर्च सेंटर है, डेयरी अनुसंधान केंद्र, ये आपको कहाँ पर मिलेगा, करनाल के अंदर मिलेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड रिवॉल्यूशन कौन सा होता है, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन होता है। अगर आपसे पूछा जाए इसके जनक कौन होते हैं, कौन है इसके जनक, तो वर्गीज कुरियन इसके जनक है, कौन है भाई, वर्गीज कुरियन हो जाएंगे इसके जनक, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा डेयरी से मैंने आपको याद कराया था, कुछ याद आ रहा हो, डेयरी से मिल्क हो गया, मिल्क से बनती है लस्सी, और लस्सी से किसका नाम याद आता है, रोशन ठंडी ठंडी लस्सी ले आ, तो कौन आते हैं याद, सोडी, सोडी, ठीक है, तो डॉक्टर आर एस सोडी का नाम आपको ध्यान रखना है, क्लियर है सबको क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, ये रोशन सिंह सोडी से याद रख लेना, मैंने उसी से याद किया जब फर्स्ट टाइम ये अपॉइंटमेंट मेरे सामने आया था, मेरे दिमाग में वही ट्रिक क्लिक किया था, आज तक मुझे बस वही याद है। तो भाई हम टीचर्स को भी याद करने के लिए कुछ बहाने चाहिए होते हैं, चीज इतनी सारी हो जाती है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, असम राइफल्स के महानिदेशक का कार्यभार किसे दिया गया है, हु इज बीन गिवन द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स, असम राइफल्स का जो डायरेक्टर जनरल है ये किन्हें बनाया गया, सबसे पुराना अर्ध सैनिक बल 1935 में इसको बनाया गया था, सबसे पुराना अर्ध सैनिक बल है, ठीक है। अब इसके डायरेक्टर जनरल ये कौन बन गए हैं आपसे पूछा जा रहा है, चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका ये आपको बताना है। हाँ जी बताएंगे जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रवनीत सिंह बने हैं, गलत है, कविता चौहान का आंसर सही है यहाँ पे, बाकी बच्चे आंसर ही नहीं कर रहे और है, सो तो नहीं गए हो तुम लोग क्लास में नलायको, तब पेपर नजदीक आ रहा, प्लीज सेशन को लाइक करते चलो गाइस, 50 लाइक्स का टारगेट दे रही हूँ मैं आप लोगों को, 50 लाइक्स तो एटलीस्ट आप लोगों को करने हैं, ठीक है, 50 लाइक्स एटलीस्ट आप लोगों को करने हैं, ठीक है। चलो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रदीप चंद्रा नायर है, कौन है प्रदीप चंद्रा नायर है, इन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स अपॉइंट किया गया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स है जो कि यहाँ पर बनाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ जी क्लियर है सबको, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई आपका करेक्ट आंसर, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर है यहाँ पर, ओके। हाँ जी चलो नेक्स्ट आ जाओ, हाल ही में जारी सेंटर ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 से 22 में कौन शीर्ष पे रहा है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 के अंदर जो है कौन शीर्ष पे रहा है ये आपसे पूछा जा रहा, तो बताएंगे जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताएंगे जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिहारी पहचान कह रहे हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ओके और कोई,
सेंटर ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी जो नंबर वन पे आई थी? बिल्कुल करेक्ट है भाई, करेक्ट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, आप लोगों ने गीता गोपीनाथ का नाम सुना होगा, गीता गोपीनाथ का नाम सुना होगा आप लोगों ने। आईएमएफ के अंदर है ये आपकी, ठीक है, आईएमएफ की गीता गोपीनाथ जो थी, तो इन्होंने वहां से इस्तीफा देने का फैसला किया है। अभी 2022 में इस्तीफा देगी, अनाउंसमेंट कर चुकी है। क्यों? ये पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर थी, यहाँ पढ़ाती थी गीता गोपीनाथ। उसके बाद इन्होंने बोला कि अब मैं वापस से अपनी पुरानी लाइफ में जाना चाहती हूँ, ठीक है, तो अब ये आईएमएफ से रिटायरमेंट ले रही हैं और वापस से जाना है इनको कहाँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। चलो नेक्स्ट आ जाओ। ओके, सेकेंड नंबर पे कौन सी रही? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो सेकंड जरूर याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए, ठीक है, बस जैसे तो फर्स्ट के ज्यादा चांसेस रहते हैं। कोपा अमेरिका 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? हालांकि ये तो हो चुकी है, आपकी मेजबानी भी हो चुकी है, कोपा अमेरिका जीता भी जा चुका है। किसने जीता था सवाल में अगर आपसे पूछा जाए, तो भाई कोपा अमेरिका जो है ये किसने जीता था गाइस? अर्जेंटीना ने जीता था। किसको हरा के? ब्राजील को हरा के। और इसको कंडक्ट कहां पर किया गया था? तो ये आपका ब्राजील के अंदर ही किया गया था, बिल्कुल सही है, ब्राजील के अंदर हुआ था, चार जगहों पर हुआ था ब्राजील के अंदर, ठीक है। ये फुटबॉल से रिलेटेड होता है, कोपा अमेरिका किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है यहाँ पर। अच्छा, इसी के साथ में यूरो कप भी तो हुआ था, ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है, जो यूरो कप है आपका, ठीक है, फुटबॉल से रिलेटेड है यूरो कप। और इसके अलावा ये किसने जीता था अगर आपसे पूछा जाए, तो ये किसने जीता था? इटली ने जीता था। किसने? इटली ने जीता था। यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर भी तो अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम क्या है? मारियो ड्रेगी है। और इसके अलावा G20 की बैठक भी तो अभी यही हुई थी, इटली ने ही तो उसको हेड किया था, G20 की जो मीटिंग हुई थी अभी आपकी, उसको हेड किसने किया था? तो इटली ने हेड किया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ जी, किस राज्य ने घर घर औषधि योजना को स्टार्ट किया? विच स्टेट लॉन्च्ड घर घर औषधि योजना? घर घर औषधि योजना किसने इसको स्टार्ट किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताएंगे भाई जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ओके, ठीक है, उबर कप। देखो 2021 वाला याद रखो, बिहार एक पहचान। उबर कप जो अभी आपका हुआ था, जिसको महिलाओं की टीम ने जीता था, एंड चाइना ने ही आई थिंक जीता था, नहीं यार स्लिप हो गया माइंड से, मैं कंफर्म करना पड़ेगा उबर कप के बारे में, रुक जाओ, उबर कप अभी बताती हूँ आपको, ये पूछा जाएगा भाई पेपर में, उबर कप भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे आएगा क्वेश्चन भी, आपका टेंशन ना लो, ये लेटेस्ट करंट अफेयर थोड़ा सा मैं जब कराऊंगी ना, तब आपका उसमें ये सब कवर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। यस करेक्ट है, करेक्ट है, चाइना ने जीता था, ठीक है, चाइना ने जीता था जापान को हरा करके। अच्छा, उबर कप ये तो वुमेन्स कैटेगरी में होता है, एक आपका होता है ना थॉमस कप होता है, थॉमस कप ये भी बैडमिंटन से रिलेटेड होता है, ये मैंस, ये जो है मैंस कैटेगरी में दिया जाता है, जो थॉमस कप दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए थॉमस कप किसने जीता है, तब आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये बताएंगे जल्दी से, थॉमस कप अगर आपसे पूछा जाए तो ये किसने जीता है? हाँ जी, 2021 के लिए, तो ये किसने जीता था गाइस? तो ये जीता था आपका बेसिकली यहाँ पर जो थॉमस कप हुआ था बैडमिंटन में, ठीक है। ओके, करेक्ट करेक्ट, इंडोनेशिया ने, ठीक है, किसने जीता था? इसको जीता था इंडोनेशिया ने, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा गाइस, क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट आ जाओ।
पूछा जा रहा है घर घर औषधि योजना किसने स्टार्ट की थी, तो राजस्थान सरकार के द्वारा ये स्टार्ट की गई थी। घर घर औषधि योजना जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट की जाती है, राजस्थान सरकार के द्वारा स्टार्ट की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। गाइस सेशन को लाइक एंड शेयर करते चले, कितनी बार याद दिलाऊं बता दो मुझे, कितनी बार याद दिलाऊं मैं आप लोगों को। हाँ अच्छा, और कौन कौन सी योजना है यहाँ पर, तो भिखारी मुक्त योजना यहाँ पर स्टार्ट की जाती है आपकी, भिखारी मुक्त योजना थी ठीक है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ये मैंने कई बार आप लोगों को करा दिया है। और इंदिरा गांधी मातृत्व योजना है, ये भी मैंने बता चुकी हूँ। इंदिरा रसोई योजना स्टार्ट की गई थी आपकी, यहीं पर इंदिरा रसोई योजना स्टार्ट की गई थी ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। नेक्स्ट देखो, WHO की कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है। WHO की जो कार्यकारी बोर्ड है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कौन बन गई है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किन्हें बनाए। WHO से क्वेश्चन आ चुका है, कल पूछा गया था, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था, सेकेंड शिफ्ट का था, पूछा गया था इसको, इसकी स्थापना कब होती है, 7 अप्रैल 1948 को। WHO से आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपसे पूछा जाएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ठीक है, आपसे पूछा जाएगा इसकी हेड कौन है भाई, तो टेड्रोस एडहोनन इसके हेड हो जाएंगे, है ना, क्लियर है सबको। चलो हेडक्वार्टर बताओ और इसका कहां पर है जल्दी से। और इसके जो कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष यहाँ पर अपॉइंट किए गए थे, तो उसके लिए जो बच्चे यहाँ पर आंसर कर रहे हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर क्या, सी आंसर कर रहे हो आप लोग, पैट्रिक अमत, बिल्कुल करेक्ट है। डॉक्टर पैट्रिक अमेज को यहाँ पर अपॉइंट किया गया था, ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, तो प्लीज ये ध्यान रखेंगे आप लोग ठीक है, एग्जाम के अंदर ये पूछा जाएगा तो ध्यान रखना। इसका हेडक्वार्टर बिल्कुल कहां पर, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर मिलेगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा आपको इसका हेडक्वार्टर ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, और हेल्थ मिनिस्टर तो आपको पता ही है ये मनसुख मंडाविया जी के पास में, हेल्थ मिनिस्टर तो आपको पता ही है मनसुख मंडाविया जी के पास में ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, हाँ जी, व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रामीण आबादी में कोविड का पता लगाने के लिए किस नाम से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है, इसका करेक्ट आंसर कौन बताएगा। बिल्कुल सही है, बिहारी पहचान ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रामीण आबादी में कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी बेस्ड एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, आपको पता नहीं क्या था ये, मतलब ऐसा होता नहीं कि गांव के अंदर हॉस्पिटल्स में वो इलेक्ट्रिक मशीनें नहीं होती जहां पर सीटी स्कैन वगैरह हो जाते, राइट, होती है हॉस्पिटल्स में वो मशीनें, तो लाइट नहीं रहती वहां पर, इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं होती है ठीक है। तो बोला गया था कहीं से भी जो है सीटी स्कैन वगैरह करा के, और व्हाट्सएप पर आप पिक्चर शेयर करते हो, एक्सरे सॉरी मेरी बैंड बज गई आज हाँ चलो भाई, अब तुम लोग ना मेरे लिए ना विशेष मांगना स्टार्ट कर दो कि जल्दी से मैं आपको ठीक हो जाए, अब मैं खराब होने वाली, मेरी तबीयत अब खराब होने वाली है। चलो मेरी बैंड बजने वाली है, बस अब सर्दी लग चुकी है मुझे पूरी तरह से, सर्दी जो है ना वो फैलने शुरू हो जाएगी अभी चल के ठीक है। एक्सरे सेतु, ये ध्यान रखिएगा, इसमें क्या था, इसमें यही था कि आप एक्सरे करवा के व्हाट्सएप पे अगर शेयर करते हो, आप वो तस्वीर शेयर करते हो, तो उसके माध्यम से डॉक्टर जो है ना आपका ट्रीटमेंट चालू कर देंगे, वो तस्वीर अगर थोड़ी धुंधली भी आई है ना तो भी आपका काम चल जाएगा, बट कहीं पर भी आप हो तो आप एक्सरे की तस्वीर आपको जस्ट शेयर करनी है व्हाट्सएप पे और ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। तो ये उनके लिए गांव में स्टार्ट किया गया था, गांव के अंदर था ना कि एक्सरे की फैसिलिटीज नहीं होती है या तो लाइट नहीं रहती, तो ये प्रॉब्लम होती है वहां पर ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ओके नेक्स्ट, उड़ान योजना किसने स्टार्ट की थी भाई, उड़ान योजना की बात करते हैं, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड उड़ान स्कीम स्टार्टेड, किसने किया था इसको स्टार्ट उड़ान योजना, पंजाब हरियाणा छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश, ये तो मैंने करवाया हुआ क्वेश्चन है। यूपी के सरपंच भाई, पंचायत बैठाओ, मैम की तबीयत खराब कैसे हो गई है, हाँ पंचायत बैठाओ ठीक है। चलो गाइस कम से कम 4 लाइक स्कोर कर दो, 40 भी हो जाएंगे तो थोड़ा सुकून मिलेगा मुझे ठीक है, 50 का टारगेट है हालांकि आपका, तो फटाफट से सेशन को लाइक एंड शेयर करना स्टार्ट करो जो नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। उड़ान योजना पंजाब के अंदर स्टार्ट की जाती है, और इसमें क्या बोला गया था, उड़ान योजना में बोला गया था कि उड़े देश का आम नागरिक नहीं है कहीं करके चले आओ, उड़ान योजना के अंदर था
जो महिलाएं हैं या फिर छोटी लड़कियां हैं, किशोर लड़कियां हैं, मेंस्ट्रुअल्स के टाइम पर, पीरियड्स के टाइम पर क्या है, उनको दिए जा रहे थे यहाँ पर फ्री सैनिटरी पैड। क्या फ्री जो है सैनिटरी पैड दिए जा रहे थे, कितने, 1 महीने में 3, सॉरी 9, 1 महीने में 9 पैड यहाँ पर दिए जा रहे थे। चलो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर सभी को क्वेश्चन? ओके, तो इसके लिए उड़ान योजना स्टार्ट की थी पंजाब ने ही। एक और योजना स्टार्ट की थी आपकी, शगुन योजना पंजाब ने स्टार्ट की थी। एंड और पंजाब ने आपका हर घर जल और हर घर सफाई योजना स्टार्ट की थी, ठीक है, जिसके तहत हर एक घर में पाइप के माध्यम से जल पहुंचाया गया था। नेक्स्ट आ जाओ, टोक्यो ओलंपिक्स के लिए आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय घुड़सवार कौन सी बनी? यस, ये पूछा जाएगा, घुड़सवार पूछा जाएगा आपसे, कौन बनी है, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है। राकेश कुमार, आशीष मलिक, फुआद मिर्जा या फिर जितेंद्र सिंह है? घुड़सवार बताना है गाइज आपको, ठीक है। चलो कुछ आंसर बी आ रहे हैं तो कुछ ए आ रहे हैं। 51,000, अच्छा शगुन योजना में दिया जा रहा, हाँ ठीक है। साजन जी देखो अपने सजने की फिक्र है इनको, ओके, ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भाई। किसी को नहीं पता इसका आंसर, किसी को भी नहीं पता है, हार मान लिया सबने। लाइको फवाद मिर्जा को पॉइंट किया था यहाँ पर, किसको? फवाद मिर्जा जी को पॉइंट किया गया था टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली, ये पहले भारतीय घुड़सवार बने हैं। कौन है? फवाद मिर्जा बने हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। पाकिस्तान ने अपनी पहली कोरोना वैक्सीन किस नाम से लॉन्च की है? पाकिस्तान ने अपनी पहली कोरोना वैक्सीन जो है ये किस नाम से लॉन्च की है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, एचपी राणा जी, बेटा क्लास 6 बजे होती है, अगर आप उठ सकते हो 6 बजे, अगर आपके हौसले बुलंद है तो आप डेली क्लास में आओगे, ठीक है, 6 बजे होती है। चलो भाई आ जाओ, चिरकुट पाकिस्तान की बात करते हैं हम, आ जाओ चिरकुट पाकिस्तान आ गया। देखो पहली कोरोना वैक्सीन इन हरा, मतलब इन नलायकों ने थोड़ी ना इसको बनाया था, जो वैक्सीन है ये चाइना ने बनाकर दी थी भैया, इनको किसने, चाइना ने बनाकर दी थी, इन्होंने तो ठप्पा लगा दिया था बस इसके ऊपर कि ये पाकिस्तान ने बनाई है। पाक वेक के नाम से आई थी, किस नाम से? पाक वेक के नाम से आई थी। अब ये क्वेश्चन कतई एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, छोड़ दो इसको, ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, क्योंकि यार इतनी सारी वैक्सीन आ चुकी है, एक कंट्री ने कितनी, 6-6, 7-7 वैक्सीन रिलीज की है, तो इतनी कितनी वैक्सीन हम लोग याद करिए तो एग्जामिनर को भी पता है, तो यहां से कोई तुक नहीं बनता है सवाल पूछने का, यहाँ से कोई तुक ही नहीं बनता सवाल पूछने का। हाँ बस इंडिया की वैक्सीन पूछी जा सकती है आपसे, क्योंकि इंडिया ने कितनी वैक्सीन को अप्रूवल दिया है, 6 वैक्सीन को अप्रूवल दिया है। इंडिया में खुद की 2 वैक्सीन बनी है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाई है, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने बनाई है, ये पूछा जाएगा। बच्चों के लिए कौन सी वैक्सीन को अप्रूवल मिला है? कोवैक्सीन को मिला है, ये पूछा जाएगा, ठीक है बस। और सबसे पहले भारत ने कौन सी भारत बाहर की वैक्सीन को अप्रूवल दिया था? स्पुतनिक को दिया था। ये विश्व की भी पहली वैक्सीन आई थी कोविड की, ठीक है, ये पूछा जाएगा। किस देश की है? रशिया की है। ये सवाल आएंगे वैक्सीन को लेकर के, बस और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इंडिया की जो वैक्सीन है जो अप्रूवल हुई है 6 वैक्सीन, उनमें से पढ़ के चले जाना। ओके, हाँ भाई समझ में आया तक सबको क्वेश्चन? अगला सोनू सूद आ गया, क्या है क्वेश्चन? ब्रिटिश मैगजीन वोग के जुलाई 2021 की अंक के कवर पर किसका चित्र अंकित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हाँ जी, वोग जो ब्रिटिश मैगजीन है, तो किसका यहाँ पर चित्र बना हुआ है? सोनू सूद का चित्र बना हुआ है, क्या बात कर रहे हो, किसने बोला ये? इंदु देवाजीत, बेटा तुम अपनी भावनाओं को लेकर कहाँ जा रहे हो, रुको जरा रुको, थम जाओ। मलाला यूसुफजई है करेक्ट आंसर, ठीक है। सोनू सूद का मैगजीन में कहाँ फोटो आ गया भाई, किसने देख लिया? हाँ शांति प्लीज, हाँ यूपी के सरपंच, देखो जरा मलाला यूसुफजई है, ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये पाकिस्तान की, लेकिन रहती है अभी कहाँ पर, यूएसए में फिलहाल ये रह रही है। अच्छा, तो अभी एक और चीज याद रखना है इनसे, सबसे कम उम्र में नोबल प्राइज विजेता ये रह चुकी है, नोबल पीस प्राइज 2014 में मिला था इनको।
इन्होंने शेयर किया था किसके साथ में? तो एक है ना कैलाश सत्यार्थी, जिन्होंने एक अभियान चलाया था बचपन बचाओ, कैलाश सत्यार्थी के साथ में इन्होंने इसको शेयर किया था, ये आपको ध्यान रखना है। बताओ क्लियर है सबको क्वेश्चन? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? नहीं है, आगे आ जाओ फिर। नेक्स्ट देखो, कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता किस राज्य ने शुरू किया? विच स्टेट हैज स्टार्टेड कोरोना फ्री विलेज कॉम्पिटिशन? कोरोना फ्री विलेज कॉम्पिटिशन किसने इसको स्टार्ट किया है? तो बताएंगे जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी बिल्कुल सही है, बिहारी पहचान, सही है, सही करेक्ट जा रहे हो। नेक्स्ट आओ, कोरोना फ्री विलेज कंपटीशन, कोरोना फ्री विलेज कंपटीशन जो है ये किस स्टेट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताएंगे जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ओके ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं। ना ना ना, बी बी। अच्छा बी और ए आंसर आ रहे, सभी लोगों के बी और ए आंसर है। हे भगवान, देखो कोरोना फ्री विलेज कंपटीशन चलाया गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। बोला गया था कि अगर हम एक कंपटीशन चलाते तो एक दूसरे की से जीतने की होड़ में लोग क्या करेंगे, उसमें कोरोना फ्री से मतलब कोरोना से बचेंगे, जो रूल्स हमने बनाए हैं रूल्स को फॉलो करेंगे जीतने के चक्कर में, ठीक है। और जीतने वाले को क्या मिलेगा यहाँ पर? जो गांव जीतेगा उसे 50 लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा। वाह वाह वाह, मतलब ये तो गजब ही हो गया मैम। बिल्कुल 50 लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा अगर कोई जीतेगा। फर्स्ट इनाम जो लेकर आएगा, जो सेकंड नंबर पे आएगा उसको 25 लाख रुपया दिया जाएगा, और जो थर्ड नंबर पे आता है उसको 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये कंपटीशन रखा था भाई महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, जो सीएम है यहाँ पर उद्धव ठाकरे जी हैं सीएम आपके, और गवर्नर हो जाएंगे कौन? भगत सिंह कोश्यारी। तो इन्होंने कहा था कि जीतने की होड़ में सब रूल्स को फॉलो करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। चलो ठीक है, दिमाग तो इन्होंने अच्छा लगाया था। गुड मॉर्निंग नीरज सक्सेना भाई, गुड मॉर्निंग नीरज सक्सेना, भावनाओं में बहते ही जा रहे, बहते ही जा रहे। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलो हाँ जी, डोंट अ क्या है, पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री द्वारा देविका नदी परियोजना, इनके डोनर मिनिस्टर है ना यहाँ पर आपके। हाँ जी, तो अभी क्या हुआ है यहाँ पर, परियोजना के लिए सुझाव मांगे गए किस राज्य या फिर यूटी से संबंधित है? परियोजना जो देविका नदी के ऊपर परियोजना बनी हुई है किस उससे संबंधित है, ये आपको बताना है। प्रोजेक्ट से किस स्टेट के अंदर बनी हुई है ये? जम्मू कश्मीर, बिहारी पहचान आंसर करते हुए। चलो और कोई, और कोई आंसर करना चाहेगा यहाँ पर? ओके ओके ठीक है। देखो बिल्कुल जो बच्चे आंसर कर रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उनका आंसर बिल्कुल सही है। देविका नदी के ऊपर एक परियोजना बनाई जा रही है, देविका नदी के ऊपर एक परियोजना बनाई जा रही है, तो कहाँ पर? उधमपुर के अंदर, जम्मू कश्मीर में। इसके लिए सुझाव आमंत्रित किए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस परियोजना की तुलना नमामि गंगे परियोजना से की जा रही है। इसकी जो लागत है वो 190 करोड़ है। 2019 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत इस परियोजना के अंदर काम शुरू किया गया था। देविका नदी की बात करते हैं तो यह नदी जो है जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में पहाड़ी सुध महादेव मंदिर से निकलती है और पश्चिम पंजाब की ओर बहती है। यह रावी नदी में जाकर के मिल जाती है, इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं। तो जून 2020 में उधमपुर के अंदर इसी देविका नदी के ऊपर एक पुल का उद्घाटन किया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बताओ यहां तक समझ आया सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा की पेशकश करने वाला विश्व स्तर का दूसरा बैंक कौन बना है? विच हैज बिकम द सेकेंड वर्ल्ड क्लास बैंक टू ऑफर स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट फैसिलिटी रिसेंटली, इंस्टेंट फैसिलिटी रिसेंटली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। हाँ जी ओके, ऑप्शन नंबर ए यहां पर कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए एचडीएफसी बैंक है। चलो बिल्कुल सही है भाई। बोला जा रहा था कि देखो अगर आप विदेश में जाते हो उसका मतलब क्या है, देखो बोला जा रहा था कि
मान लीजिए कि आप विदेश में जा रहे हो, ठीक है, अब वहां पर आपको पैसे लेन देन करना पड़ गया, आपको पैसे अपने देश में भेजने हैं, वहां पर आप काम करते हो, आपने पैसे अपने देश में वापस अपने फैमिली को भेजने हैं, तो ट्रांसफर कर तो सकते हो, लेकिन आपको उसमें काफी टाइम वेट करना पड़ता है। ये नहीं कि आपने ट्रांसफर किया तुरंत पैसे दूसरे अकाउंट में पहुंच गए। तो अब क्या है, अब एक ऐसी फैसिलिटी यहां पर दी जा रही है स्विफ्ट जीपीआई के नाम से, एक ऐसी फैसिलिटी कि आप दूसरी बैंक में, दूसरे देश में बहुत ही जल्दी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये जो फैसिलिटी है वो यहां पर स्टार्ट की गई है। तो यहां पर जो बच्चे आंसर कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक, उनका आंसर बिल्कुल गलत है, ठीक है। लो गई भैंस पानी में, आंसर क्या हो जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक। क्या होगा, आईसीआईसीआई बैंक होगा, जो कि किसी भी बच्चे ने इसका करेक्ट आंसर नहीं दिया, सबका गलत है ये क्वेश्चन, सभी का गलत है, ठीक है। तो भाई आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सबको क्वेश्चन। इसमें बैंक खाते में तुरंत ही क्रेडिट कार्ड हो जाए, तुरंत ही क्रेडिट हो जाएगा, तुरंत ही क्रेडिट हो जाएगा, तुरंत क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। आपको ज्यादा देर वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये है इसके अंदर। समझ में आया आप सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की संसद ने कृत्रिम द्वीप की योजना को मंजूरी दी है। एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है, एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जा रहा है, तो कौन से देश के अंदर ये बनाया जा रहा है, ये आपको बताना है। चलिए बताएंगे जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अच्छा तुमने दिया ही नहीं, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ना नेगेटिव मार्किंग है बेटा, उन्हीं लोगों के लिए नेगेटिव मार्किंग, जो तुक्के ज्यादा लगाते हैं ना उन्हीं के लिए है नेगेटिव मार्किंग। गाइस सेशन को प्लीज लाइक एंड शेयर करते हो चलेगा, 50 के हम नजदीक पहुंच गए हैं, टारगेट हमारा अचीव होने वाला है, तो 4-5 बच्चे और सेशन को बस लाइक कर दो, ठीक है, सिर्फ 4-5 बच्चे और लाइक कर दो फटाक से करके, जो नए जुड़ गए हैं वो कर दो गाइस, ओके। चलो ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क करेक्ट है, डेनमार्क यस भाई, आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है ये, ठीक है, और उसका नाम अगर आपसे पूछा जाए क्या है उस आर्टिफिशियल आइलैंड का नाम क्या है, तो सुनो जरा, देखो इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि यहां पर क्या है, हम एक ऐसा आइलैंड बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर किसका यूज किया जाएगा, नो सोलर पावर का, विंड पावर का यूज करके हम एक आइलैंड बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, कहां पर, मन्नार की खाड़ी में बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि हमें कोई कंट्री चाहिए इसके आसपास में जो हमारे साथ में डील कर सके, कि हम उसके साथ में मिलकर बना सके। तो जब इन्होंने देखा कि इंडिया के पास में लोकेशन पड़ रही है, तो जाकर के खोजते इंडिया में कोई तो होगा तैयार यहाँ पे, तो इंडिया के अंदर जब इन्होंने नजर डाली तो यहाँ पर तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट इनको मिला जो राजी है इनके साथ में क्या करने के लिए, आर्टिफिशियल आइलैंड डेवलप करने के लिए। तो तमिलनाडु ने कहा कि भैया ठीक है हम आपका साथ देंगे, और मन्नार की खाड़ी में एक एनर्जी आइलैंड है जो यहाँ पर डेवलप किया गया, क्या एक एनर्जी आइलैंड है जो कि डेवलप किया गया था, एनर्जी आइलैंड किसने, तो ये ध्यान रखिएगा डेनमार्क ने तमिलनाडु के साथ में मिलकर डेवलप किया था। क्लास एंड हो रहा है यूपी सरपंच बेटा, वो ये वाला एंड होता है पहले, तो ठीक है बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ये वाला एंड होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है अंत, जो तुम एंड कर रहे हो ना ये होता है और, ठीक है, ओके। सो अभी क्लास हाँ बस एंड कर रहे हैं हम, टाइम हो गया ना आपके नेक्स्ट क्लास का, टाइम हो गया अभी नेक्स्ट क्लास में भी तो जाना है, ठीक है। चलो अच्छा ओके, यहां तक क्लियर है सभी को क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट, हाल ही में जारी की गई टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। Who has topped the recently released list of Times 50 most desirable man 2020? Most desirable man 2020. तो इसके अंदर टॉप पे कौन रहा है ये आपको बताना है। Times 50 most desirable man 2020 की लिस्ट में शीर्ष पे कौन रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ डेनमार्क की राजधानी कॉपनहेगन है जो सेफ सिटी इंडेक्स में टॉप रही थी, और कॉपनहेगन जो है यहाँ पर एक पोर्ट भी है, और ये इसका ना एक अल्टरनेट बना रहे, क्योंकि कॉपनहेगन जो पोर्ट है ना ये डूबने की कगार पे है, धीरे धीरे ये जो है ना डूबता जा रहा है समुद्र के अंदर। तो क्या बोला जा रहा है कि एक नया पोर्ट बनाएंगे, एक नया पोर्ट बनाएंगे, एक आर्टिफिशियल पोर्ट एक और ये लोग बनाने जा रहे हैं, ठीक है, इसी का अल्टरनेट जो कि भी बनकर तैयार हुआ नहीं है। बिल्कुल सही है इंदु, गुड मॉर्निंग, बड़े क्लास में टाइम से आया करो, ठीक है। हाँ जी चलो, तो जो बच्चे आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर क्या, डी सुशांत सिंह राजपूत,
सभी का आंसर यही है, करेक्ट। सुशांत सिंह राजपूत को यहां पर चुना गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 की लिस्ट में इनका नाम सामने आया था, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग फील्ड में लोग चुने जाते हैं जो कि सबसे ज्यादा यू नो जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रभाव लोगों के ऊपर छोड़ा है 2020 में, जो पूरी पूरे देश को प्रभावित किया है जिसने सबसे ज्यादा, वो सुशांत सिंह राजपूत है। वो कौन है? सुशांत सिंह राजपूत है, ठीक है। तो इस लिस्ट में सिर्फ वही लोग चुने गए, चार्मिंग पर्सन को चुना गया, चार्मिंग पर्सन अट्रैक्ट किया जिन्होंने दूसरे लोगों को, उनको चुना जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम है, ठीक है। तो ये सुशांत सिंह राजपूत को चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सबको क्वेश्चन? अच्छा ठीक है। हाँ इंस्टाग्राम पे मैं नई नई पोस्ट अपलोड करती रहती हूँ, भैया आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए गाइस। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करते हो तो डेली अच्छी अच्छी भी अपडेट्स भी मिलती रहेंगी और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मैं आपको बताती रहती हूँ, ठीक है। तो आप सब लोग मुझे आप वहां पर फॉलो कर सकते हो। चलिए ओके गाइज, आज का सेशन यहीं पर ध्यान करते हैं, मिलते हैं अब हम कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट। जिनका भी एग्जाम है भाई अभी SSC GD के लिए जिनका एग्जाम है उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए, और सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते हुए जाना है आप सभी को। एंड थैंक यू सो मच, 50 टारगेट आप लोगों ने ऑलमोस्ट अचीव कर दिया है, थैंक यू सो मच। 2-4 लाइक्स बचे, वो तो आप लोग कर ही दोगे अभी, है ना। कुछ बच्चे सोच के बैठे होते कि क्लास खत्म होने के बाद ही करेंगे, हम पहले नहीं करेंगे, तो वो 2-4 बच्चे अब कर देंगे। चलो थैंक यू सो मच गाइस, ओके।